बहुत ज़्यादा खुश हूँ और स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे, जैसे हमने हमारा जैसा विजन था सॉन्ग को शूट करते समय वैसे कुछ हम लोगों को देखने मिल रहा है, तो सॉन्ग माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हमेशा से एक वो बीच वाला मॉन्टाज जो आपने देखा सॉन्ग में, वो मुझे हमेशा से मतलब शूट करना था और जैसा मैं सोचता था कि मतलब कैसा लगेगा वो, तो ये शूट होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि जैसा मैं चाहता था वैसा कुछ मुझे देखने मिल रहा है वो वीडियो में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, अलहमदिल्ला जहाँ पे भी शूट होता है, कहाँ पे भी हो, वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर भी हो, बहुत अच्छा लगता है, लोग वहाँ जानते हैं पहचानते हैं, लोग मिलते हैं। तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है शूट में, शूट करने के दौरान बहुत सारे इशू हो जाते हैं, कभी कभी जगह नहीं होने की वजह से इतने सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पर, तो शूट हमको कैंसिल भी करना पड़ता है, मगर अच्छा लगता है, जैसा भी होता है एडजस्ट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तो मतलब मैंने टाइम का हिसाब किताब असली समझा हूँ मेरे वेब सीरीज़ के शूट के टाइम, जैसे कि मैं दो दो दिन सोता नहीं था और सुबह सुबह चार चार बजे उठ जाता था डायरेक्ट शूट के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरा कॉस्ट्यूम का इशू हो गया था, तो मैं वापस से दूसरा कॉस्ट्यूम पहन के आया हूँ। ओके, थैंक यू सो मच बी लाइव, आपने इस काबिल समझा और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आपने, और म्यूज़िक वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, और रूही के साथ काम करके हमेशा, निखिल भाई भी हमारे उनके साथ भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच निखिल भाई। बैंग बैंग की तो मैं इतनी तारीफ़ कर दूँ, वो भी कम है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी बैंग बैंग को लेके, कि मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे कुछ ऐसा सुनने मिलेगा फैंस लोग से, मेरे रिलेटिव से, जो कि वो इतना प्यार दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो खुद बोल रहे हैं कि हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि तू इतनी अच्छी एक्टिंग करता है। तो अलहमदिल्ला जब शूट के दौरान मुझे बस यही था कि फर्स्ट डेब्यू है, कैसा लगेगा लोगों को, क्या लगेगा, मगर अलहमदिल्ला जितना मैंने वर्कशॉप वगैरह कम्प्लीट किया और सारी जो ट्रेनिंग थी उसके दौरान, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निकल गया। कपल की बात की जाए तो रूही की जोड़ी और आपकी काफ़ी लोग पसंद कर रहे, गाने की अगर हम बात करें बहुत ही रोमांटिक जोड़ी दिख रही है आप दोनों, क्या कहना चाहेंगे आप दोनों से जानना चाहूँगा? बैंग बैंग में भी रोमांटिक लग रहे हैं और यहाँ पे भी रोमांटिक लग रहे हैं। बैंग बैंग में रोमांटिक नहीं लग रहे, मीरा बहुत गुस्सा कर रही है मेरे पे, पूरे बैंग बैंग में आप देखोगे तो हम लोगों की सिर्फ लड़ाई हो रही है और हमारे मॉन्टेजेस थोड़े कम है प्यार वाले, मगर ये म्यूजिक वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे क्योंकि अच्छा है, मतलब वेब सीरीज़ के बाद में म्यूजिक वीडियो आया और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमारी तो अच्छी लगती है लोगों को। यस, आई एम सो ग्लैड बैंग बैंग में लोगों ने हमारी जोड़ी को इतना पसंद किया है एंड अब हमारा एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है जिसमें कम्प्लीटली डिफरेंट लुक है देन बैंग बैंग, एंड आई थिंक हम दोनों ही कैरेक्टर्स में काफ़ी फिट हो रहे हैं, सो आई होप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहे और लोगों को हमारा काम पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बैंग बैंग IMDb पे 7.3 रेट कर रहा है। वाओ, 7.4। ओह वाओ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। रूही सॉन्ग के बारे में थोड़ा अगर आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, काफी रोमांटिक सॉन्ग है, थोड़ा कुछ बताइए फेजू के साथ रोमांस करना कैसा रहा? बहुत 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 मज़ा आया, हम लोगों ने गोवा में शूटिंग की, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो आई थिंक वहाँ सारे ही लवर्स आउट देयर के लिए बहुत ही एक गिफ्ट की तरह है, एंड ऑफकोर्स फेजू के साथ काम करके तो हमेशा ही मज़ा आता है, वी हैव अ रियली गुड टाइम ऑन सेट एंड आई होप लोगों को ये गाना बहुत पसंद आए और इंशाल्लाह लोग बहुत सारे वीडियोस भी बनाए जैसे हमेशा लोग मेरे लिए करते हैं। yes. तो इंशाल्लाह कंटेंट बनाए और मैं अपने अकाउंट पे पूछे करूँ। बी लाइव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कैसा है आपका? तो पूछी ऊपर के बारे में, बी लाइव म्यूजिक के साथ आपका एसोसिएशन? बी लाइव म्यूजिक के साथ काम करके हमें बहुत मज़ा आया, निखिल रियली टुक अ वेरी गुड केयर ऑफ अस, ही पैम्पर्ड अस एंड बहुत अच्छे गाने आते हैं, इनके बहुत ही वर्सटाइल ट्रैक्स हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। अरुण का है वो एक ऑडियो है और उसको जो फेस मिला है माशाल्लाह,
अरुण का है, काफ़ी सारे फैंस हैं जो चाहते थे कि उनका जो बैंग बैंग आ रहा है उससे पहले एक रोमांटिक जो आप नंबर बना रही है तो उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है केमिस्ट्री है ना। अरुण अरुण सबसे इम्पोर्टेंट सॉन्ग बहुत ज़्यादा ही कैची है जो सच में बहुत, जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे सॉन्ग मिला था अनिकेत सर की तरफ से तो मैंने तभी बोल दिया सर को हाँ मैं करूँगा क्योंकि सॉन्ग बहुत अच्छा था। तो अभी बेसिकली शूट के दौरान मैं पिछले 5 महीने से बैंग बैंग का शूट कर रहा था तो मैं बिग बॉस में इस बार इतना अपडेट नहीं था तो इंशाल्लाह अभी मैं देखता हूँ बाद में। अभी मैंने अपडेट देखा ही नहीं कौन कौन कितने कंटेस्टेंट है कितने नहीं, अभी पता नहीं कितने कंटेस्टेंट को मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं किसी फेवरेट को बेचारा शादा शादा सांसे हैं जब तक तुझसे मोहब्बत करता रहूं दे इजाजत जिस्म से मेरे रूह जुदा तक तेरा रहूं दे इजाजत मैं वो साहिल था जिसमें लहर ना ठहरे मैं वो दिन रात था जिसमें पहर ना ठहरे आने से तेरे क्या हुआ सब कुछ नया सा लगे सासे हैं जब तक तुझसे मोहब्बत करता रहूं दे इजाजत थैंक यू थैंक यू।